चलिए पहले देख लेते हैं ओपन करके कि वेलकम टू सिंपली लक्ष्मी लाइफ। और ये अभी कृति आ गई है खेल के। पापा कहाँ जा रहे हैं? बाबा एक तो बाजारे गए थे, अतर गया है थोड़ा सा मार्केट। हाँ, वो बुलाया मुझे जाने। हाँ, पापा ने बोला कृति खेल रही है, तब से खेल रही है, इतना लेट हो गया है, कृति को बुला लेती हूँ। ये क्या है? ये पेबल्स। अच्छा, ये सब उठा के रखी हुई है। हाँ चलो वॉश कर लो। हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं और हम भी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज डिनर पे बनेगा गोभी की पराठा। गोभी का पराठा बनाने के लिए मैंने गोभी को थोड़ा सा गर्म पानी में उबाल लिया है और अभी मैं इस चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लूँगी। जब मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ या गोभी का मूली का पराठा बनाती हूँ तो मैं इसी चॉपर को यूज़ करती हूँ। और इसी के साथ मैं जो ऑनियन है उसको भी थोड़ा सा चॉप कर लूँगी। कभी कभी मैं ऑनियन पराठा भी इसी तरह से ही बनाती हूँ। और अभी मैंने कढ़ाई में लिया है थोड़ा सा ऑयल, यहाँ पे मैंने वाइट ऑयल लिया है, ऑयल पे थोड़ा सा हींग मैंने डाला है। और अभी जो चॉप किया हुआ गोभी है और ऑनियन है उसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी और उसके साथ मैं थोड़ा सा सॉल्ट और हल्दी मिक्स करूँगी और उसके बाद मेरा जो स्टफिंग है वो रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी एक प्रोसेस है, बहुत जल्दी बन जाता है। जब मुझे जल्दी में कुछ बनाना रहता है इस टाइप का पराठा तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। ऑनियन पराठा भी मैं इसी तरह से बनाती हूँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। Hey guys, welcome back to the channel. तो बताइए कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं और हम भी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज शेयर करने वाली हूँ जो कि किचन से रिलेटेड है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब अपना किचन टूर दिया था उस टाइम मैंने बोला था कि किचन का एक कॉर्नर जो है मैं खाली रख रही हूँ, तो उस टाइम मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिन्होंने गेस कर लिया था कि वहाँ पे मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो उसी का रिलेटेड एक सामान मैंने परचेस किया है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये है वो सामान जो मैंने परचेस किया है, ये मैंने ऑनलाइन अमेजोन से परचेस किया है, तो चलिए देख लेते हैं इसको ओपन करके। और हाँ, बाहर का पिक्चर देख के तो आप लोगों को पता चल ही जाता है, मुझे पता है, तो चलिए पहले देख लेते हैं ओपन करके कि अंदर का प्रोडक्ट कैसा है। तो इसके अंदर कुछ पेपर्स है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, किस तरह से इसको यूज करना है वो सब है, वारंटी कार्ड वगैरह है, वो सब है। तो इसको अभी रहने देते हैं क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले असली चीज को देखते हैं। इसके साथ ना ये दो चीज दिया हुआ है तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले मशीन को देख लेते हैं। ओके, सो ये कॉफी मशीन है, ये मॉर्फी रिचर्ड्स का है। इसका डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, लुक वाइज ये बहुत अच्छा है, मुझे काफी अच्छा लगा। एक्चुअली हम लोग जब देख रहे थे ना तो हम लोगों के ध्यान में था कि जो हम लोग कॉर्नर पे लगाएंगे तो कॉफी मशीन जो है थोड़ा सा लुक वाइज भी अच्छा हो। अभी कैसा है कैसा नहीं वो तो बाद में पता चलेगा, पहले देख लेते हैं कि इसका मतलब कहाँ पे कौन सी चीज है, तो चलिए देख लेते हैं। और हाँ, इसके साथ ना और दो चीज हम लोगों को मिला है और ये है वो चीज, ये है मेजरिंग करने के लिए, इसमें कॉफी डाला जाता है। और इसके साथ ना ये मेजरिंग कप है, ये बहुत ही क्यूट है, छोटा सा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसमें ना मेजरमेंट करने के लिए ये चार मतलब 4 कप आप कॉफी बना सकते हो इसमें, ये मेजरमेंट दिया हुआ है। और ये ग्लास का है और ये कुछ इस टाइप का है, मुझे ये चीज बहुत क्यूट लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और ये मेजर करने के लिए कॉफी इसमें डाल के आपको करना है, ये हम लोग देख लेंगे किस तरह से इसको सेट करना है। यहाँ पे आते हैं, ये देखिए इस तरह से इसको ओपन करेंगे, ये इस तरह से ओपन होता है। इसमें आपको जो है पानी डालना है और ये ना एल्युमिनियम का है, ये अंदर का पोर्शन एल्युमिनियम का है, इसमें आपको पानी डालना है और ये जो कैप है ना इसको ऐसे रखना है और ये बहुत ही टाइटली इसको क्लोज करना है आपको। ओके, और इसके नीचे ना ये ट्रे है। ओके, तो ये जो नीचे का पोर्शन है ना इसमें एक ट्रे दिया रहता है ये इस टाइप का, इस ट्रे को आप अलग से क्लीन कर सकते हो। चलिए मैं दिखाती हूँ, इसको ना ऐसे निकाल के
ऐसे निकाल के आप इस ये पोर्शन को ना क्लीन कर सकते हो। सो इसको मेंटेन करना भी बहुत इजी होगा। सो ये कुछ इस टाइप का है, सॉरी ये कुछ इस टाइप का है। और ये स्टेम नोजल है, मतलब ये इसका कैप है। हाँ, सो इसमें ना स्टीम निकलेगा, तो आप मिल्क वगैरह जो है उसको यहाँ से गर्म कर सकते हो। तो ये स्टीम नोजल्स हैं, इसको इस तरह से ना कैप दिया हुआ है इसका। सो इसको जब आप रखेंगे ना, तो ऐसे अंदर की तरफ रखिएगा, जब आपको यूज़ करना है तो इसको बाहर की तरफ रख के आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये जो मेज़रिंग जो जिसमें कॉफ़ी डालना है ना, वो आपको इस तरह से सो इसको ना इस तरह से ऐसे एडजस्ट करना है यहाँ पे। सो यहाँ से कॉफ़ी निकलेगा, मतलब ऊपर से पानी जाएगा, यहाँ पे कॉफ़ी रहेगा, उसके बाद ये आएगा। तो मुझे जो कप है ना, इसको इस तरह से रखना है यहाँ पे। सो यही कुछ प्रोसेस है इसका। सो और ये जो आप देख रहे हैं ना, इससे आपको मतलब ऐसे सिलेक्ट करना है कि अगर आपको डार्क कॉफ़ी पीनी है, थोड़ा सा कड़क, तो आप यहाँ पे रखिए इसको, क्योंकि जो कॉफ़ी का साइन है ना यहाँ पे, सो यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको। अगर आपको बहुत ही लाइट कॉफ़ी पीनी है तो एकदम लास्ट में रख सकते हैं उससे थोड़ा, तो इस तरह से आप ना इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये उसका पावर बटन। और उसके बाद ना ये जो आप देख रहे हो, ये स्टीम रिमूवर है। सो हमेशा मतलब जितना चाहिए आपको स्टीम रखना है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होता है वो रिमूव कर सकते हैं। तो ये स्टीम रिमूवर है। ओके, तो ये बहुत ही क्यूट क्यूट सा चीज़ मिला है इसके साथ। सो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, और बहुत जल्द मैं इसका ऑर्गेनाइजेशन एक वीडियो लाऊंगी, बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मेरा कॉफ़ी कॉर्नर, जो कि बहुत दिनों का एक ड्रीम है मेरा कि मैं घर पे एक कॉफ़ी कॉर्नर बनाऊँ, सो बहुत जल्द मेरे चैनल पे आएगा, तो आप लोग बने रहे हैं। और हाँ, आप लोगों को ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है, यूज़ करने के बाद मैं इसके बारे में भी डिटेल्स में और कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी, इसका रिव्यू दे पाऊँगी। सो मुझे तो काफ़ी ये अच्छा लगा, और मतलब मॉडल लुक वाइज भी बहुत अच्छा है। सो बाकी का तो बाद में पता चलेगा, है ना। और ये है कॉफ़ी मेजरिंग स्पून, और ये जो पीछे का पोर्शन है ना, इससे आपको कॉफ़ी को इस तरह से ऐसे प्रेस करना होता है। सो ये तो जब मैं यूज़ करूँगी तभी आप लोगों को पता चल जाएगा। सो बहुत ही क्यूट क्यूट सा सामान मिला है इसके साथ, मुझे बहुत ही क्यूट सा है। और इसमें ना मेज़रमेंट दिया है, ये देखिए इसमें ना मेज़रमेंट भी दिया हुआ है। और आप लोगों ने अगर इसको यूज़ किया है तो इसका कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा है, तो मुझे और भी ज़्यादा हेल्प होगा। तो चलिए, ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, एक अनबॉक्सिंग ब्लॉग। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ़।